Steppen, Steppen, Steppen. I don't like it. I avoid it. But Steppen like me. I can't avoid it. आपने Steppen में इन्वेस्टमेंट किए हो तो हमें से काफी यूजर के लोगों के दिमाग में इस टाइम ऐसा चल रहा है कि Steppen स्कैम कर देगा, क्या हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे, क्या इंडिया में भी Steppen बैन हो सकती है, क्या हम सारी NFT वगैरह GST वगैरह जो भी अर्निंग हुई है अभी तक वो सेल करके पूरा निकाल ले इस मार्केट से, या फिर कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि अभी डिप में है तो एंट्री क्या बनती है, मतलब कि इस टाइम क्या हम Steppen में इन्वेस्टमेंट करें। और गाइस कुछ लोग और भी सोच रहे हैं कि क्या हमको जो एक्स्ट्रा GST वाले अर्निंग टेक्नोगल ने बताई थी क्या वो ट्रिक अभी भी वर्किंग है। तो अभी जो भी मैंने आप लोगों को टॉपिक बताई इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे और अपनी सारी जो डाउट्स है वो हम क्लियर कर देंगे। कुछ दिन पहले आप लोगों को मैंने यूट्यूब में कुछ Steppen के बारे में यहाँ पर वीडियो दिया था जिसमें आप लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया था। और अभी गाइस देखो Steppen में थोड़ा सा इसका मार्केट काफ़ी गिर चुका है, तो इस टाइम आप लोगों को क्या करनी चाहिए उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लॉस में हो तो आपकी रिकवरी कैसे हो सकती है, आपको इस वक्त में क्या करना सबसे सही होगा, या फिर आपको यहाँ पर सेल करके निकल जाना होगा या फिर स्टे करनी है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरे अंत तक देखोगे ना आपकी हर एक डाउट क्लियर होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना गाइस। और लास्ट कुछ दिनों से मैं निकटिव था बिकॉज ऑफ कुछ इंपॉर्टेंस कम्स की वजह से, कल रात तक मैं फ्री हो जाऊंगी और गाइस आप लोगों को रेगुलर अपडेट दे दिया करूंगी। और मुझे इस टाइम पे लगा कि गाइस इस टाइम पे आपको ये वीडियो देना इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफ़ी लोग पैनिक हो रही है, काफ़ी लोगों को बहुत कुछ लग रही है, काफ़ी लोगों को लॉस हो रही है, तो मैंने सोचा कि अगर मैंने बताई हूँ उसके बारे में मुझे वीडियो देनी भी बनती है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली टाइम निकाली हूँ और इस वीडियो को बना रही हूँ। मैं सोच रही दो तीन दिन से बट मुझे टाइम नहीं मिल रही थी ऑनेस्टली बोलूँ गाइस, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगी कि इंडिया में बैन वगैरह होगा कि आपको सेल करके निकल जाना चाहिए, या फिर अगर लॉस में हो तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रिक वर्किंग है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो मैं एक एक करके आपको वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम Steppen एप्लीकेशन में आ जाते हैं और इस टाइम अगर आप देखोगे गाइस यहाँ पर स्निकर्स का जो फ्लोर प्राइस है 2.38, 2.39, और सुबह मैंने देखा था एक टाइम पे जब फ्लोर प्राइस 2.1 सोल के आसपास चल रहा था। ये सोल NFT है, अगर हम इस पर क्लिक करके BNB वाले में देखा रहे देखेंगे सो गाइस देख सकते हो BNB भी बहुत डिक्रीज हो चुके, 0.77 BNB, एंड लास्ट टाइम कितना था, आई थिंक 15-18 ऐसे करके BNB में था, अभी वैसे 1 BNB भी नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस टाइम अगर हम कॉइन केको पे नहीं कॉइन मार्केट कैप में चले जाते हैं और वहाँ पर मैं आपको GST की वैल्यू भी दिखा देती हूँ कि इस टाइम कितने वैल्यू चल रही है। तो इस टाइम अगर हम GST की वैल्यू देखें, सोल का भी मैं बता दूंगी, ठीक है, और इसका भी मैं बता दूंगी। देखो जो सोल वाले का देख लेते हैं, सोल वाले का फिलहाल वैल्यू है 69 रुपीस, ठीक है, मतलब कि 0.8 के समथिंग आई थिंक चलेगा अभी। और अगर हम यहाँ पर BNB GST की बात करें तो $1 के अबव ही हो आई थिंक, एक बार मैं देख लेती हूँ GST का और आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल दिखा देती हूँ इस मार्केट में क्या चल रही है, तो 1 point something कुछ डॉलर में चल रही है फिलहाल। तो अभी आप लोगों को मैं सबसे पहले जो यहाँ पर डाउट है ये मैं क्लियर कर देती हूँ कि Steppen स्कैम करेगा आपके साथ, क्या इसमें आपकी पूरा पैसा डूब जा सकती है, तो इसका पहले आंसर दे देती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं चीज़ों को बताऊँगी और आप लोगों को समझ आ जाएंगे कि आपको करना क्या होगा इस मार्केट में, ठीक है। आपको मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई मैं कर रही हूँ, आपको भी ये चीज़ करना है, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आप भी इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं बोल रही। इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन बताऊँगी और आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ देख के डिसाइड करना है आपको करना क्या है, पूरा फैक्ट मैं आपके सामने ला के रखूँगी और डिसाइड आपको करनी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम टॉपिक कवर करते हैं Steppen स्कैम के बारे में। गाइस देखो कोई भी प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्टमेंट करोगे ना, सबसे पहले आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, नहीं तो आपको ये लगेगा मैंने गलत प्रोजेक्ट पे गलत टाइम पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी। जब तक आपके पास ये नॉलेज नहीं होगा ना, तब तक आप कितने भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको यहाँ पर यही लगेगा कि मेरा लॉस हो गया। इवन आप ये भी अगर आपको नॉलेज नहीं होगा ना तो आप लॉस ही बुक करोगे, क्योंकि ये चीज़ मैं किस लिए बोल रहा हूँ मैं एक चीज़ बता देती हूँ। देखो कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि प्रोजेक्ट किस लिए आए, क्या काम करने वाले हैं, इनका मोटिव क्या है, क्या क्या मतलब कि रियल लाइफ में इसका यूज़ कैसे होने वाली है, इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होगा तो देखो अगर उस कॉइन की वैल्यू 0.02 है और इन फ्यूचर में अगर उसका वैल्यू 0.02 से 0.2 कर गई, मतलब 10x कर गई, तो भी ना आप उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हो, आप वहाँ पर लॉस ही करोगे, क्योंकि आपको बिलीव ही नहीं होगा उस प्रोजेक्ट के बारे में, आपको यकीन नहीं होगा कि ये प्रोजेक्ट इतना तक जा सकती है, तब करोगे क्या, 0.02 में बाय किए हो आप उससे कम में सेल कर दोगे, क्योंकि आप में तो इस प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तब लॉस बुक इजीली करोगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कहूँगी कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो इसके बारे में पहले बेसिक नॉलेज ले लेना, तो उसके बाद जाकर इन्वेस्टमेंट करना। इसलिए मैं बोलती हूँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने यहाँ से रिसर्च करना, इसके मतलब यही होती है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ Steppen बेसिकली एक Web3 Move2Earn प्रोजेक्ट है, जहाँ पर आप किसी को बोलोगे ना जो भी डेली का मॉर्निंग वॉक जॉगिंग वगैरह करते हैं उन लोगों का आप बोलोगे कि आपको मैं डेली का 100 रुपये दूंगी अगर आप यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पर जाते हो, तो डेफिनेटली वो लोग करेगा ही, क्योंकि यूजुअली लोग मॉर्निंग वॉक जॉगिंग रनिंग तो करते ही है। उसके लिए अगर
स्टेपन कंपनी वालों आपको कुछ इंसेंटिव मतलब कि ऐसे कुछ रिवॉर्ड देते हैं तो और इंटरेस्टिंग बन जाती है कि स्टेपन को यूज़ करके लोग यहाँ पर डेली अपना कैलोरी बर्न कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो लोग फिट भी बन रही है, मतलब कि लोगों की जो डेली लाइफ स्टाइल है वो भी काफ़ी चेंजेस हो रही है स्टेपन की वजह से, और साथ में इनका जो बैकर्स है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे नहीं लगता ये प्रोजेक्ट स्कैम कर सकती है। साथ में अगर आप देखोगे इनका ट्विटर्स में ये बहुत एक्टिव है, गिवअवे वगैरह करते रहते हैं, और साथ में रिसेंटली इन लोगों ने कुछ ऑफलाइन मीटअप भी कर रखा है। और एक गुड न्यूज़ है गाइस, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि इनका ट्विटर हैंडल अगर चेक करोगे ना तो इनका जो गवर्नेंस टोकन है GMT, ठीक है, GMT भी काफ़ी स्टोर में ऐसे पेमेंट मेथड ऐसे यूज़ हो रही है, मतलब ऐसे पेमेंट मेथड के हिसाब से यूज़ हो रही है आप अगर देखोगे, जो कि काफ़ी अच्छा यूज़ है। और साथ में ये लोग कुछ कोरिया में यहाँ पर कुछ ऑफलाइन मीटअप भी किए थे इन लोगों के साथ, आप देख सकते हो, तो काफ़ी इनका कम्युनिटी एक्टिव है गाइस। तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट स्कैम करेगी ऐसा मुझे नहीं लगती है, फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अपने इनसे ज़रूर रिसर्च कर लेनी चाहिए। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आपके पास जितना पैसा हो सभी लगा दो, ठीक है, आपको अंधा पैसा अर्न होगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, मैं बस इतना बता रही हूँ प्रोजेक्ट क्या कर रहा है और आप लोगों को मतलब कि इससे मतलब कि डरना चाहिए, पैनिक होना चाहिए। फर्स्ट वाला फैक्ट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकंड फैक्ट, जहाँ पर आप लोगों में से काफ़ी लोगों का डाउट है क्या इंडिया में स्टेपन बैन हो सकती है कि नहीं, और ये टॉपिक इसलिए आई है क्योंकि रिसेंटली स्टेपन वालों ने यहाँ पर चाइना मेन लैंड में यहाँ पर जो कि है सर्विसेज बंद करने वाले हैं ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया है, और 26 मई को अनाउंसमेंट किया है, और इनका जो गाइस यहाँ पर मतलब सर्विसेज बंद होगा वो 15 जुलाई को होने वाला है, मतलब काफ़ी पहले से ये लोग बता के रख दिया है कि हम ऐसे अपना जो सर्विसेज हो आपकी वहाँ पर एरिया में बंद कर देंगे। और इसलिए हुआ है कि चाइना में आप लोगों को पता है चाइना में क्रिप्टो में बैन बहुत बार लग चुका है, ठीक, मेन रीज़न यही है चाइना में इनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके साथ स्टेपन वालों का यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, इसलिए स्टेपन वालों ने डिसाइड किया हमको इतना लफड़े में नहीं पड़ना है भाई साहब, हम यहाँ पर अलग से चलेंगे, हम क्या करेंगे 15 जुलाई के बाद हमारे जो GPS सर्विसेज है वो आपके एरिया में बंद कर देंगे, उसके बाद ना हम आपको देखेंगे ना आप हमको देखना। तो इसीलिए गाइस यहाँ पर चाइना मेनलैंड की जो सर्विसेज है यहाँ पर बंद होने वाले हैं। अभी काफ़ी लोगों के यहाँ पर डाउट्स है कि यहाँ पर क्या इंडिया में बैन होगा, क्योंकि इस कंट्री लिस्ट में ना यहाँ पर इंडिया का भी नेम है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया में यहाँ पर बैन होने की चांसेस 95% तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि इंडिया मतलब कि क्रिप्टो में कोई ऐसा वो चीज़ होगा कि इंडिया स्टेपन को ही यहाँ पर बैन कर देगा, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो लोग चाहते हैं, इवन गवर्नमेंट भी आई थिंक यहाँ पर क्रिप्टो को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, अभी नहीं तो कभी सही। और वैसे भी इंडिया वालों के साथ स्टेपन की कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है कि स्पेशली इंडिया में ही बैन करवा देगा, बट फिर भी हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट 95% चांसेस है यहाँ पर इंडिया में बैन नहीं होगा, ठीक है। तो इतना मैं कह रही हूँ क्योंकि गाइस मुझे लगती है कि स्टेपन के साथ इंडिया कंट्री की जो रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें कोई लफड़ा वफड़ा नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन यही था। अब आते हैं कि उन सारे इन्वेस्टर जो यहाँ पर ऑलरेडी स्टेपन में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और उनको जिनको लग रही है कि स्टेपन में हम अभी बर्बाद हो चुके हैं, तो हम डूब गए हैं, स्टेपन ने हमको हमारे साथ स्कैम वैम कर दिया है, हमारा जितना भी पैसा बिल्कुल डूब चुका है, अभी क्या हम यहाँ से सेल करके निकाल लें या फिर यहाँ पे स्टे करें, तो ये सारी चीज़ पे हम अभी बात करते हैं। सो पहले देखो गाइस एक चीज़ आप लोगों को नोटिस किया होगा कि जब भी आप यहाँ पर स्टेपन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया तब GST की वैल्यू जो था, अगर GST की वैल्यू 3-4-5-6 डॉलर के आसपास था, तो उस टाइम जो NFT फ्लोर था ना वो भी काफ़ी हाई था। अभी देखो यहाँ पर चाइना मेनलैंड की वजह से काफ़ी फट क्लियर हो रहे हैं, इवन मार्केट भी यहाँ पर बिटकॉइन एंड अदर्स जो ऑल्ट कॉइन वो भी गिरी पड़ी हुई है, मार्केट की हालात भी सही नहीं है, इसके लिए यहाँ पर स्टेपन भी काफ़ी नीचे आ चुका है, NFT फ्लोर भी है, GST भी। एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करना कि जब GST वैल्यू यहाँ पर अप जाते हैं तभी यहाँ पर NFT फ्लोर भी अप जाती है, ठीक है। तो जिस टाइम आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है अगर आपकी फ्लोर ज़्यादा था तो उस टाइम आपकी GST वैल्यू भी ज़्यादा था, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 40%, 50% या फिर 80% इन्वेस्टमेंट निकाल लिया हो तो अभी मैं आपको बोलूँगी कि अभी आप अपना सेल करके मतलब NFT को सेल करके यहाँ पर लॉस बुक मत करो, क्योंकि अगर आपने NFT सेल कर दिया ना तो आपकी इंस्टेंट लॉस हो जाएगा। तो आप यही करो कि आपके पास जो भी NFT है उससे जितना दिन तक अर्निंग हो रही है आप अर्निंग करते जाओ, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट तो आप निकाल लोगे, जहाँ पर आपको 2 दिन लग रहा था वहाँ पर आपको 15 दिन लगेगा, इतना ही तो बात है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बता के रखी हूँ यहाँ पर यही रिस्क फैक्टर होगा कि अगर GST की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है तो आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको ज़्यादा दिन लगेगा, यही वो फैक्ट है। और इस टाइम आपको शायद सही से समझ आ रही है कि मैंने उस टाइम जो बताई थी वो हूबहू मैच हो रही है, इस वजह से ही मैं आप लोगों को बता रही थी। अब देखो यहाँ पर सेल करके आप लोग कुछ मतलब ऐसा नहीं करोगे, अभी अगर सेल करोगे तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो तो आपको वापस नहीं मिलेगा, इससे बेटर क्या है आपके पास अगर NFT है तो उसको आप रखो अपने पास और जितने दिन तक यहाँ पर अर्निंग हो रही है आप करते जाओ, क्योंकि अभी भी गाइस यहाँ पर GMT की अर्निंग होना बाकी है। और गाइस एक टाइम शायद ऐसा आएगा कि GMT कॉइन है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा पम्प कर सकती है, क्योंकि GMT की जो बर्निंग है ना वो डेली की डेली हो रही है, यहाँ पर मिंटिंग में यूज़ हो रही है, इवन लेवल 9-10 में जब जाओगे तब आपको GMT की यूज़ हो रही है, इवन यहाँ पर 19-20 में 28-29 एंड 29-30 में भी जाने के लिए आपको GMT की ज़रूरत पड़ेगी। जब जब यूज़र यहाँ पर GMT को एप्लीकेशन में जाके यूज़ करेगा तब तब यहाँ पर GMT बंद होगा, GMT की वैल्यू भी यहाँ पर गाइस
अप जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझो, कि अगर हम मान के चलते हैं GST की वैल्यू पर जियो भी हो जाए, बट GMT बहुत अच्छा बूम कर जाए, तो उस टाइम अगर आपके पास NFT होएगा ना, तो आप बस GST जो कमाओगे ना उसको लेवल अप में काम पर लगा देना। फिर आप जब लेवल 30 पर चले जाओगे उस टाइम आपकी GMT की भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो GMT की अर्निंग होगा तो उससे भी आपकी अर्निंग बनते जाएंगे, ठीक है। तो सेल करके निकाल लेना, वो भी लॉस में, ये कोई सोल्यूशन नहीं है गाइस। अगर आप लॉस में हो तो आप कंटिन्यू करते रहो, आपकी इन्वेस्टमेंट निकल जाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट निकल जाते या फिर प्रॉफिट में हो, उसके बाद आपको जो भी करना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बस मेरा काम इतना तक है कि आप कैसे मतलब अपने इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे या फिर प्रॉफिट बुक करोगे, उतना तक ही मैं बताऊंगी। बाकी आगे जो भी करना है, अगर प्रॉफिट में हो तो सेल करना है, रखना है, वो आपकी मर्जी। बट फिलहाल मैं अपना ओपिनियन बोलूं कि मुझे अभी NFT सेल करने की कोई भी मतलब कि मैं वो नहीं समझती हूँ। चाहे मैं किसी NFT में प्रॉफिट में भी हूँ तो भी मैं सेल नहीं करने वाली हूँ, एंड इवन मैं अगर लॉस में भी हूँ तो भी मैं यहाँ पर सेल नहीं करूँगी। जब तक यहाँ पर $0.5 तक GST की वैल्यू है मैं करते जाऊँगी, इवन जब तक मतलब ₹100 भी मुझे मिले ना तो भी मैं इसको कंटिन्यू करते रहूँगी, ठीक है। समझ रहे हो ना गाइस? तो मेरा ओपिनियन यही है, सेल करके निकाल लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। इवन आप अपना लॉस ही करोगे, ठीक है। आप 10 सेल में लिए हो, 2 सेल में बेचोगे, क्योंकि लॉस ही तो हो गई ना, तो क्या पता कुछ दिन बाद फ्लोर इंक्रीज़ हो जाए और आप जितने में बाय के उससे ज़्यादा में आपको NFT मिलने लगे, तब आपको अफसोस होएगा ना। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी और मैं अपना ओपिनियन भी बता दियो। अब बात आते हैं कि कुछ लोगों का अभी मन हो रही है कि अभी क्या हम एंट्री ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे आते हैं, और एक और क्वेश्चन था कि अभी सोलाना में यहाँ पर एंट्री लेना सही होगा या फिर BNB वाले चेन में। सो इस पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर सोलाना में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर BNB। देखो यहाँ पर सोलाना का कितना फ्लोर चल रहा है, 2.68, ऑलमोस्ट $100 के बीच में ही होगा इसका। एक बार मैं आपको सोल की कितना वैल्यू चल रही है उस हिसाब से दिखा देती हूँ। यहाँ पर सोल चल रही है फिलहाल 39, और अगर हम देखते हैं 2.68 तो कितना वैल्यू बन रही है, 2.68, ओके 2.68 105 के आसपास, और BNB 302, और यहाँ पर चलिए 0.8 मैंने देखा था, ठीक है ना, 200, मतलब कि ऑलमोस्ट 2x का यहाँ पर फर्क आपको यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि NFT फ्लोर में, ठीक है। और साथ ही में इनका जो GST की वैल्यू है ना, उसमें भी 2x का आपको डिफरेंसेस दिखेगा। तो BNB GST की वैल्यू भी ज़्यादा है, वैसे BNB NFT की कॉस्ट भी ज़्यादा है, और मुझे नहीं लगता है ये जो GST मतलब कि सोलाना GST और BNB GST इनका ज़्यादा दिन तक ये जो डिफरेंसेस है ये मतलब कि नहीं रहेगा, धीरे धीरे सेम ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे आप देखोगे तो, ठीक है। एक चीज़ मैं अपने इनसे बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास पड़े हुए ऑलरेडी BNB है, मतलब कि जो यूज़ नहीं हो रहा है, होल्ड करके रखे हो, तो उसमें आप लगा सकते हो अगर आपकी रिसर्च के हिसाब से यहाँ पर सही लगती है। बट अलग से आप BNB परचेस करके लेना वो मुझे सही नहीं लगती है, बट अगर आपके पास यहाँ पर BNB पड़े हुए हैं तो आप एक बार देख सकते हो, ठीक है, ये मैं बोलूँगी। अब देखो यहाँ पर ड्रिप में एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी अगर देखो 1 सोल या फिर 2 सोल तक यहाँ पर आ जाती है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकती हो, क्योंकि मैं भी सोचा हुआ 1 सोल के आसपास अगर यहाँ पर आ जाती है तो मैं यहाँ पर एंट्री लूँगी, ठीक है। और मैं सोचूंगी कि अगर 2.1 सुबह आए थे तो उसके आसपास अगर आ जाती है तो आई थिंक मैं 1-2 NFT और भी बाय करूँगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, आप भी इन्वेस्टमेंट करो, आपको तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्रिप्टो में या फिर कोई भी NFT प्रोजेक्ट या फिर किसी भी जगह पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपको इतना देखना है कि आप जितना भी अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे आपकी लाइफ में कोई असर ना पड़े। जैसे मैं उतना ही इन्वेस्टमेंट करूँगी $40-50 या फिर $100 तक जो मेरे लाइफ में इफेक्ट ना पड़े। ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी झंड हो जाए उसकी वजह से या फिर मेरा फैमिली में असर पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं पहले से बोल के रहा हूँ, लोन वोन उधार लेके बिल्कुल ये सब मत करना। आप उतना अमाउंट रखना जिससे आपकी लाइफ में इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो भी लास्ट टाइम यहाँ पर कुछ प्रॉफिट कमाए थे उसका कुछ अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँगी, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मेरा जो भी प्रॉफिट है उससे हिस्सा का मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर अमाउंट लगाऊंगी अगर मुझे यहाँ पर डिप मिले तो, ठीक है। 2.8 में मैं नहीं लूँगी, मैं 2 के आसपास, मतलब 2.1 मेरा लास्ट है, 2.1 और उससे नीचे मिल जाए तो मैं ले लूँगी, ठीक है। NFT ये मेरा ओपिनियन है। अब जो लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं कि जो हम एक्स्ट्रा GST वाला ट्रिक बताए थे क्या वो वर्किंग है कि नहीं, चलो उस टॉपिक पर बात करते हैं। सो वैसे कोई 11 डेज पहले जो ट्रिक मैंने आपको साथ शेयर किया था जिस पर आपको एक्स्ट्रा GST अर्निंग हो रहा था, और जिनको ये ट्रिक पहले से पता था वो काफ़ी अच्छे से यहाँ से अर्निंग किया है, मुझे भी पता है, बट फिलहाल इन लोगों ने यहाँ पर कुछ चेंजेस किया है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बग फिक्स कर दिया है, बट गाइस अभी बग यूज़ करने की कोई बेनिफिट ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइटल पे ही लिख दिया ओवर हो चुका है। अब देखो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक बग बंद हुआ, आई थिंक यहाँ पर 30 को ही बंद हो गई थी, मैंने सुबह में यहाँ पर ट्राई किया था सुबह वाले, यानी ये जो बग है ये बंद हुआ है 31st afternoon से, यहाँ पर एक बग बंद हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने यहाँ पर 1.A वाला, देखो 1 एनर्जी पे मुझे ऑलमोस्ट 6 GST मिल रहा था जो कि मैंने बग का यूज़ किया। उसके बाद मैं जब सेकंड टाइम यहाँ पर बग यूज़ करना आफ्टरनून या फिर इवनिंग का टाइम, तो उस टाइम देखो मुझे 1 एनर्जी के लिए सिर्फ 2.88 मतलब कि GST मिला। दैट्स मीन्स इन लोगों ने ना क्या किया, देखो जो एनर्जी है वो हम नेट बंद करके इतना ही हमको एनर्जी मिल जाएंगे, बट इनका जो GST अर्निंग है बहुत इन लोगों ने लिमिटेड कर दिया। इवन पहले से जो नॉर्मल GST अर्न होता था ना उससे भी कम कर दिया, मतलब मेरा नॉर्मली
3, 3.5 हो जाता था, 3.5 तो हो ही जाता था, बट अभी अगर मैं ट्रिक भी ना यूज़ करूँ तो भी मतलब 3 तो नहीं पहुँचती है। इधर लास्ट वाला आप देख लो यहाँ पर गाइस, ठीक है 2.82 पे जाके रुक जाते, उससे आगे बढ़ ही नहीं पता, वो भी लेवल 9 के लिए मैं बता रही हूँ। तो मुझे लगती है इन लोगों ने बग तो फिक्स नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि जो GST अर्निंग है उसको इन लोगों ने लिमिटेड कर दिया। क्यों किया, किस लिए किया मुझे नहीं पता है, बट यही अपडेट देना था। अभी बग यूज़ करने की कोई फ़ायदा मुझे नहीं दिख रही है फिलहाल, और इन फ्यूचर में गाइस ऐसे कुछ यूजफुल ट्रिक या फिर बग या फिर लूपहोल मुझे मिलती है तो मैं जरूर डेफिनेटली शेयर करूंगी। इस वीडियो को बनाने की यही मोटिव था मेरा कि इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा GST मिले और आप जल्दी जल्दी रिकवरी करो और आपका बेनिफिट हो। इसके अलावा मेरे और कोई चीज़ नहीं, ना प्रमोशन वीडियो था, ना कोई रेफर वगैरह कुछ नहीं था इस वीडियो में, सिर्फ आप लोगों के लिए हेल्प हो इसीलिए मैं बनाई थी। फिर भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, बट उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट जिस मतलब कि जो कि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स उनको अगर किसी भी वीडियो से हेल्प हो सकती है मैं उस रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगी। और इस वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हो रही थी, आप लोग पैनिक जा रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। सुबह 2.1 पे चले गए थे, अभी देखो 2.9 पे ऑलमोस्ट चले गए, 3 भी जाएगा आई थिंक इसका फ्लोर, ठीक है। तो अब देखो 3 मतलब 3 भी चले गए, तो ऐसे करके प्राइस घटते जाएंगे, मतलब कम होगी ज़्यादा होगी, आपको कम में एंट्री लेनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और बाकी सारी चीज़ मैंने आपको जो भी बताई वीडियो को ध्यान से देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएंगे। और इन फ्यूचर में कोई यूजफुल ट्रिक मुझे मिलेगी तो मैं डेफिनेटली इस चैनल पर शेयर कर दूंगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। इसके अलावा आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर बायो में मोर पे क्लिक करें, यहाँ पर मेरे ID मिल जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ग्रुप में आगे पूछ लेना। मैं यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर यूजर का अभी पेंडिंग मैसेज है, मैं उसको रीड करके यहाँ पर रिप्लाई कर दूंगी, तो आप लोग टेंशन मत लेना, ओके ठीक है। और एक अपडेट देना था गाइस, काफ़ी लोगों को क्वेश्चन था कि क्या हम एक ही डिवाइस में मल्टीपल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, तो इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि एक यूज़र यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट तो यूज़ कर सकते हैं, बट सेम टाइम पे, ठीक है, मतलब कि सेम टाइम पे आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ नहीं कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना। आप 1 by 1 कर लेना, फर्स्ट अकाउंट को रन कंप्लीट कर लेना, उसके बाद सेकंड अकाउंट का, थर्ड अकाउंट का, फोर्थ अकाउंट का। और अभी मुझे लग रही है कि 0.5 एनर्जी करके दौड़ने से उतना बेनिफिट नहीं होगा, आप एकदम से 2 एनर्जी यूज़ करोगे तब भी सेम ही अर्निंग होएगा ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, 0.5 एनर्जी करके दौड़ने में ज़्यादा GST हो रही है, या फिर एकदम से 2 एनर्जी यूज़ करके हो रही है, या फिर आप 1 एनर्जी करके भी एक बार चेक कर लेना, जो भी आपको अच्छे लगे आपकी NFT के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा अर्निंग दे वो यहाँ पर आप लोग कर लेना। और एक टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ उस टाइम इन लोगों के पास एक नोटिस आया 3 घंटे के लिए इनका कुछ मेंटेनेंस वगैरह रहेगा, तो आप एक बार देख लेना और कुछ अपना सीट फ्रेस को सेव करके रख लेना, ठीक है। और एक गाइस इस मतलब आज के दिन पे पता नहीं कि सोलाना ब्लॉकचेन डाउन होने की वजह से शायद हुआ होगा, इनका जो मेन वॉलेट है मतलब वर्ल्ड सेट स्पेंडिंग वॉलेट में सोल बोलो, GMT बोलो, GST बोलो, ट्रांसफर करने में काफ़ी टाइम लग रही है, मतलब कि 4-5 घंटे होने के बाद भी स्टिल काम नहीं कर रहा है, इवन 8-9 घंटे होने के बाद भी, इवन मेरा भी अभी तक नहीं हुआ है। तो आप लोगों को मैं ये बोलूँगी जिनका ऐसा इशू आ रही है वो लोग वेट कर लेना, जरूर 24 आवर्स में तो आ ही जाएंगे, बट अगर NFT फ्लोट प्राइस इंक्रीज हो रही है तो जल्दी या फिर FOMO में बाय मत करना, डाउन आएगा तभी जाके बाय करना है। आई होप कि इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट बता के हेल्प कर पाई हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो रहा है इस कमेंट सेक्शन में जो कमेंट कर देना, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी तब तक मचाते रहो, थैंक यू।